आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं जीतल ग्रैंड जो है मिडवे हरिद्वार टू दिल्ली रास्ते में, जो बहुत ही बढ़िया स्टॉप है आपके रुकने के लिए। इतना बढ़िया यहाँ का खाना है, यहाँ की सुंदरता है, तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं जीतल ग्रैंड। जैसे ही आप एंटर करते हैं, ये है सामने रेस्टोरेंट, और यहाँ कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं, ये है स्टार्टिंग में आइसक्रीम पार्लर, जहाँ पर बहुत ही बढ़िया जिलेटो की आइसक्रीम्स मिलती हैं। और ये है पूरा हॉल जहाँ पर लोगों के बैठने की व्यवस्था है, देख रहे हैं कितना रश है। और ये है इनकी कैंडी स्टोर जहाँ पर बहुत ही तरह की डिफरेंट कैंडीज मिलती हैं। ये है इनका काउंटर, ऑर्डर काउंटर, यहाँ पे आप मेन्यू देख के ऑर्डर कर सकते हैं। टेबल पे भी आपको मेन्यू मिल सकता है, पहले आपको पेमेंट करना होता है और उसके बाद आपको खाना सर्व होता है। और ये एक छोटी सी यहाँ पर सिरेमिक काउंटर है, जहाँ पर कि सिरेमिक की बहुत ही डिज़ाइनर बड़े प्यारे प्यारे बर्तन मिल रहे हैं। यहाँ पर आपके पॉट मिल रहे, प्लांटर्स भी हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, बड़ी आर्टिस्टिक सी चीज़ें हैं, तो वो भी आप खरीद सकते हैं। ये मग्स हैं, सूप बाउल हैं, काफ़ी कुछ है यहाँ पर। हॉल के साथ ही एक ये पूरा एक स्पेस बना हुआ है जो इससे अलग है, और जहाँ पर आप अपने आप फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ बैठ सकते हैं, तो यहाँ पर ये आपको अलग से एक सेपरेट स्पेस मिल जाता है, तो काफ़ी शोर शराबे से आप दूर रह सकते हैं। गए हैं हमारे दोस्त और इन्होंने कर दिया है ऑर्डर। कैसा लग रहा है खाना? बहुत यम्मी है। फूड क्वालिटी तो एक्सीलेंट है, बहुत ही टेस्टी। यहाँ के पकोड़े बहुत ही फेमस हैं, वेरी वेरी डिलीशियस। ये देखिए, ये हैं सैंडविचेस, हर चीज़ बहुत टेस्टी। हाँ जी, हिमांशु से स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्पेशल बाहर आए हैं ताकि अंदर का शोर अवॉइड कर सकें। हाँ, ये अच्छा किया है। हाँ, आपको कैसा लगा है निकिता? इशिता छुप गई है। ये सीलिंग देख सकते हैं आप, कितनी आर्टिस्टिक बनाई है इन्होंने। थीम रखा है बॉलीवुड मूवीज़ का, तो सब उसके पोस्टर लगे हैं। ये है पूरा बाहर दिखाई दे रहा है, ये देखिए बहुत सुंदर बनाया है। बड़े ही यहाँ की वाइब्स इतनी पॉजिटिव हैं, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आकर। ओवरऑल यहाँ की हर चीज़ बहुत अच्छी है। सबसे मेन चीज़ है कि यहाँ का जो खाना है वो बहुत ही हाइजीन है, एकदम सफाई से हर चीज़ बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से बनाई जाती है। और यहाँ के जो वॉशरूम है, जो मेन पार्ट है, वो इतना नीट एंड क्लीन है कि वो कहीं भी आपको हाईवे पे नहीं मिलेगा दिल्ली से हरिद्वार वाले पे। तो अगर आप इस हाईवे पे आ रहे हैं तो आपको यहीं पर ही रुकना चाहिए। और ये कोड भी देखिए क्या सही इन्होंने लिखी हुई है। हमने यहाँ पे खूब खाया पिया जीतल में और खूब मजा। कैसा लगा आप सब लोगों को खाना? बहुत अच्छा, अच्छा था ना? बहुत। अब हम जा रहे हैं वापस अपने डेस्टिनेशन यानी कि अपने घर की तरफ। कैसा लगा हिमांशु को जीतल? बहुत बढ़िया, खूब मजा आया। और ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें। ओके, बाय। तो ये एक बहुत ही परफेक्ट प्लेस है आपको चिल आउट करने के लिए, अगर आप दिल्ली देहरादून वाली बेल्ट पे आ रहे हैं, और बहुत ही मज़ा आने वाला है यहाँ पर, तो ज़रूर एक्सप्लोर करिए जीतल ग्रैंड। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।